ओए सुचिया। Two strangers, travel gone wrong. एक बार मौका दीजिए, मैं लेके आता हूँ ना उसे आपके पास। क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ? किस नाम से सर्च करूँ? गोली, सिर्फ फॉलो करना, सामने मत आना। तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप मुझे ठीक नहीं लग रही हो मॉम। ये पहली बार नहीं है जब जिंदगी ने साथ। तो जैसे कि इस हफ्ते के फ्राइडे के दिन के लिए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई थी कि इस फ्राइडे को हमें कुछ बड़ी मूवी सरप्राइज रिलीज होते हुए देखने वाली हैं। लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा सरप्राइज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आज दोपहर 12:30 बजे तक देखने को मिल सकता है तो कुछ अलग बात होगी। बट अभी इस फ्राइडे के सुबह के 8 बज चुके हैं, बट अभी तक कोई भी बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ छोटी छोटी एवरेज मूवीज हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए जरूर अवेलेबल हुई है सरप्राइज में। उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो भी कुछ एवरेज मूवीज है और कुछ मस्ट वॉच मूवीज है जिनको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिसमें सबसे पहले Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई चाइनीज एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सॉन्ग ऑफ असैसिन को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 की है और ये एक एवरेज सी एक्शन थ्रिलर मूवी है। और कहानी हमें एक ऐसे नए असैसिन की देखने को मिलने वाली है जिसको अभी अभी उसका पहला मिशन मिला होता है, लेकिन पहला मिशन ही उसको कई मुश्किलों में फंसाने वाला है जब वो एक बड़े पॉलिटिकल चक्कर में फंसने वाला है। तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस पीरियड एक्शन थ्रिलर भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो वैसे एवरेज सी मूवी है और अभी हिंदी डब में अवेलेबल हुई है तो ट्राई कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है। इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक आर रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डिस्ट्रॉयर, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की रही है, और अभी इस काफी बढ़िया एक्शन थ्रिलर मूवी को लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कहानी हमें एक फीमेल पुलिस डिटेक्टिव की देखने को मिलने वाली है जिसको पास्ट में अंडरकवर रहते हुए एक सीक्रेट असाइनमेंट मिला होता है, लेकिन उसी असाइनमेंट की वजह से ही उसकी जिंदगी में काफी मुश्किलें आ गई हैं, तो उसके पास्ट में क्या क्या हुआ था कुछ सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहती है, जिसके साथ एक्शन और थ्रिल भरी कहानी आगे बढ़ती है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी ये आर रेटेड मूवी है, मतलब के ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें ब्रूटल एक्शन के साथ अहा भी देखने को मिलने वाला है, और अभी ये मूवी लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अहा के फैंस के लिए शिमारू मई के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई 18+ एडल्ट हिंदी रोमांटिक ड्रामा मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है माया का मोह, जो अभी आज के दिन से ही शिमारू मई के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि थोड़ी सी थर्ड क्लास की मूवी कह सकते हैं, जिसमें ओनली अहा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कहानी एक्टिंग और डायरेक्शन जाए भाड़ में। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज के दिन में हमें कोई बड़ा कंटेंट देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको एक बढ़िया मूवी रेकमेंड करना चाहूंगा जो अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल है, जो है काफी टाइम पहले रिलीज हुई एक बढ़िया रोमांटिक थ्रिलर रिवेंज मतलब के बदले वाली मूवी ये साली आज की, जिसकी शुरुआत में हमें एक प्यार की कहानी देखने को मिलती है, लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो प्यार की कहानी को बदले में बदल देता है, और इस मूवी के खत्म होने से पहले आप ये नहीं अंदाजा लगा पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत है, मतलब के हर कैरेक्टर को बैलेंस रखा गया है शुरुआत में, जिसकी कहानी काफी बढ़िया है। और अभी ये मूवी YouTube पे पेन मूवीज के चैनल पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल है, अगर आपने ना देखी हो तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद अहा के फैंस के लिए ही हंगामा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई 18+ एडल्ट अहा वाली रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज इश्क गुनाह को रिलीज कर दिया गया है, जो एक नई सीरीज है जिसकी भी एक्टिंग स्टोरी एंड डायरेक्शन जाए भाड़ में अहा इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए भाई जिसको भी देखनी हो। इसके बाद आज के दिन में ही VR OTT के प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई इंग्लिश वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है स्किन्स का सीजन 6, जिसके पहले 5 सीजन ऑलरेडी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है VR OTT के प्लेटफॉर्म पे, जो एक रोमांटिक सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें हमें हर तरह का मसाला देखने को मिलता है, और हाँ थोड़ा बहुत हाँ भी। तो ये कुछ फ्रेंड्स की कहानी वाली एवरेज से थोड़े से ऊपर की वेब सीरीज VR OTT के प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है आज के दिन में ही। इसके बाद Amazon Prime वालों ने MX Player के साथ अपना मर्जर कंप्लीट कर लिया है,
और अभी इसको ऑफिशियली भी कर दिया है। तो अभी Amazon मिनी टीवी ऑफिशियली Amazon MX प्लेयर बन चुका है। तो अभी मिनी टीवी को हटा के MX प्लेयर कर दिया गया है, जिसपे हमें पहली वेब सीरीज देखने वाली है फ्राइडे के दिन में, जिसका नाम है इश्क इन दी एयर, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है। और इसके सीजन 1 को इसी फ्राइडे में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। मतलब कि इसको देखने के लिए जैसे कि आपको पहले Amazon मिनी टीवी पे शॉपिंग ऐप पे जाते हुए देखना पड़ता था, लेकिन अभी आप अपने फोन पे Amazon MX प्लेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सभी वेब सीरीज को अवेलेबल कर दिया गया है, Amazon मिनी टीवी वाली और MX प्लेयर वाली को टुगेदर, जिसमें भी हमें एक लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे हंसाते हुए इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाएगा। इसके बाद आज के दिन में ही TVF की ओर से बनाई गई सुपरहिट वेब सीरीज पंचायत की एक साउथ रीमेक वेब सीरीज थलावेतियन पालयम, जो अभी इस फ्राइडे के दिन में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, और इस वेब सीरीज को भी TVF की ओर से ही बनाया गया है। और कहानी भी जैसे कि पंचायत की रीमेक वाली ही होने वाली है, और कहानी भी हमें एक पंचायत सेक्रेटरी की देखने को मिलने वाली है, जिसकी शहर से अभी नौकरी लगती है एक छोटे से गाँव में, तो वहाँ पे उसकी स्ट्रगल को ही दिखाया जाने वाला है, बिल्कुल पंचायत वेब सीरीज के जैसे ही। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक बड़ी साउथ की हिंदी डब वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया गया था। और ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें क्राइम और मिस्ट्री भरी कहानी को थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है। और कहानी एक ऐसे प्राइवेट आइलैंड की होने वाली है, जिसको एक ही बंदा ओन करता है, और वो वहाँ पे अपना ही धर्म चलाना चाहता है, जिसको कई सारे लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका इरादा कुछ और ही होता है। क्या कहानी निकल के सामने आती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हिंदी डब में दिखाया जाने वाला है, जो सीरीज अभी आज के दिन में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज पेंगुइन, जो एक बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें बैटमैन मूवी सीरीज से ही एक बड़े क्रिमिनल कैरेक्टर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी गौतम शहर में अपना आतंक मचाने वाला है। तो उसकी कहानी को कैसे दिखाया जाता है, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस सीरीज में काफी क्राइम और थ्रिल होने वाला है, जो अभी इस फ्राइडे से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है। इसके बाद बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से एक नई हिंदी डब मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है शोशाना, जिसे साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 की है। और कहानी हमें दो पुलिस ऑफिसर्स की देखने को मिलने वाली है, जो एक फ्रीडम फाइटर को पकड़ने के लिए एक बड़े मिशन पे निकले होते हैं। तो इस फ्रीडम फाइटर का मिशन भी काफी बड़ा होता है, जिसको रोकने के लिए ही इन दो पुलिस ऑफिसर को चुना जाता है। तो कहानी कैसे सस्पेंस और थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो भी हमें इस फ्राइडे से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी फ्राइडे को ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें अमित सियाल के साथ परेश रावल भी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और इस मूवी को अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इस फ्राइडे के दिन में ही। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर में रिलीज हुई थी एक आर रेटेड सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी हिज थ्री डॉटर्स, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 की रही है, और ये मूवी एक अवार्ड विनिंग मूवी है, जिसे अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इस मूवी को हिंदी डब में डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें कहानी हमें तीन बहनों की देखने को मिलने वाली है, जो अलग अलग रह रही होती हैं, लेकिन अभी इकट्ठे होते हुए अपने बूढ़े पिता के पास रहने वाली हैं, जो अभी अपने आखिरी समय में चल रहा होता है। तो उनकी कहानी को कैसे इमोशंस के साथ दिखाया जाता है, वही इस मूवी को काफी रिकमेंडेड बनाता है, जो भी अभी इस फ्राइडे से ही इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही एक मोस्ट वेटेड हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिल सकती है हिंदी डब में, जिसका नाम है इवल डेड राइज, जिसे साल 2023 में ही थिएटर में रिलीज किया गया था और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिली थी, जिसको काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है, लेकिन इंडियन ऑडियंस काफी लंबे समय से ही इंतजार कर रही है कि कब ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी वो घड़ी नजदीक आ रही है, जब इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। इस फ्राइडे रात को, मतलब 20 सितंबर की रात, इस मूवी को अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी जैसे कि नेटफ्लिक्स कोई भी थिएटर वाली मूवी की लैंग्वेज पहले अनाउंस नहीं करता है, और स्पेशली हॉलीवुड की मूवीज की, तो वैसे ही इस मूवी की भी लैंग्वेज अनाउंस नहीं की गई है, बट बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आज के दिन में ही एक नई हिंदी बढ़िया और बड़ी मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है युद्रा, जिसकी स्टार कास्ट तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मूवी की कहानी काफी बढ़िया लग रही है, जिसमें किल मूवी में धमाल मचाने के बाद एक बार फिर से राघव हमें नेगेटिव रोल में देखने को मिलने वाला है। बाकी इस मूवी में कितना धमाल मचाता है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको अभी आज के दिन से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है, जो एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने जा रही है थिएटर्स में, जिसका नाम है कहां शुरू कहां खत्म, जिसमें भी हमें एक नई लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें रोमांस के साथ इमोशन और हंसाने वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है। तो ये मूवी भी आज के दिन से ही ओनली थिएटर्स में रिलीज कर दी गई है।
तो जहाँ पे पंजाबी ऑडियंस के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कल के दिन में हमें देखने को मिली थी जट एंड जूलियट का पार्ट 3, जो इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। लेकिन आज के फ्राइडे के दिन में हमें कोई भी पंजाबी मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलने वाली, लेकिन एक बड़ी पीरियड हिस्ट्री एक्शन थ्रिलर मूवी सुचा सूरमा को थिएटर में जरूर रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें पंजाबी सिंगर एक्टर बब्बू मान मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी उसकी एक्टिंग का तो आपको पता ही है, जो एवरेज सी रहती है, लेकिन कहानी इस मूवी की काफी बढ़िया होने वाली है। तो स्पेशली बब्बू मान के फैंस तो जाने देखने ही वाले हैं, लेकिन बाकी न्यूट्रल ऑडियंस के लिए कैसा परफॉर्म करती है ये मूवी वो तो रिव्यूज आने के बाद ही पता चलेगा। बट अभी ये इकलौती मूवी रिलीज हुई है पंजाबी बढ़िया, तो ट्राई कर सकते हैं अगर आप थिएटर में जाने का मन बना रहे हो। तो ये था आज के दिन में हमें ओटीटी पे देखने वाला ओटीटी कंटेंट। बाकी और कई बड़ी बड़ी मूवीज एंड सीरीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसके साथ ही मैं आपको कल वाली वीडियो में मिलता हूँ, जो अभी लिस्ट प्रिपेयर हो रही है। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टाटा बाय बाय।